अगर आप दिल्ली एनसीआर इलाके में घर खरीदने का सपना देख रहे हैं तो आपके लिए खुशखबरी है। खबर ये है कि दिल्ली एनसीआर में जल्द ही एक नया शहर बसने जा रहा है जिसका नाम होगा न्यू नोएडा। ये नया नोएडा आपके सपनों को पूरा करने की ड्रीम लोकेशन हो सकती है। नए बनने वाले नोएडा का आकार पुराने नोएडा के मुकाबले दोगुना होगा। ये शहर ग्रेटर नोएडा और बुलंदशहर के बीच करीब 20,000 हेक्टेयर जमीन पर बनेगा। नए बसने वाले इस क्षेत्र में पॉश अपार्टमेंट्स, ग्रीन जोन एरिया, हाईटेक बाजार, इंडस्ट्रियल और कमर्शियल एक्टिविटीज पुराने नोएडा की तर्ज पर ही शामिल होंगी। इस न्यू नोएडा सिटी के लिए जमीन अधिग्रहण की जिम्मेदारी राज्य सरकार ने नोएडा अथॉरिटी को दे दी है। खबर के अनुसार नए नोएडा बसाने के लिए संबंधित विभाग ने 2 महीने पहले ही काम शुरू कर दिया है। अगले कुछ महीनों में इंफ्रास्ट्रक्चर का नया मॉडल तैयार होगा और इसे नोएडा प्राधिकरण को सौंपे जाने की उम्मीद भी है, जिसके बाद जमीनी स्तर पर नए शहर को बसाने का काम शुरू होगा। इसके लिए ग्रेटर नोएडा से बुलंदशहर के बीच करीब 20,000 हेक्टेयर जमीन का अधिग्रहण किया जाएगा। किसानों से आपसी समझौते के आधार पर जमीन खरीदने के बाद ही इस नए सिटी के बसने से निवेश और रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। '76 में न्यू ओखला इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी यानी पुराने नोएडा के अस्तित्व में आने के बाद इस क्षेत्र ने देश विदेश में अपनी एक अलग पहचान बनाई है। नोएडा की सफलता के बाद ग्रेटर नोएडा और यमुना एक्सप्रेस वे औद्योगिक विकास क्षेत्र का गठन कर मौजूदा नोएडा के अधिकांश इलाके को विकसित किया जा चुका है। मास्टर प्लान 2021 और 2031 के आधार पर पूरी जमीन का अलग अलग श्रेणी में समायोजन किया जा चुका है। 20,000 हेक्टेयर जमीन शहरी इलाके की श्रेणी में है, जिसमें 18% पर इंडस्ट्रियल, 37% पर रेजिडेंशियल और बाकी की जमीन कमर्शियल हब समेत दूसरे कामों में इस्तेमाल होगी। इस नए शहर के लिए करीब 250 हेक्टेयर जमीन का अधिग्रहण अभी किया जा रहा है। खबर के मुताबिक दिल्ली से सटे और यमुना एक्सप्रेसवे, ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे DFCC से सीधा जुड़ा होने और जेवर में प्रस्तावित अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे की वजह से देश विदेश की नामचीन कंपनियां इस क्षेत्र में भारी निवेश करना चाहती हैं। भविष्य के विकास योजनाओं के लिए ये नया शहर वरदान साबित हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, दिल्ली तक।